नमस्कार साथियों, मैं विशाल राजपूत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल विशाल राजपूत अपडेट्स में। दोस्तों, एक नई अपडेट निकल के आ गई है। आज की डेट से 25 जनवरी 2021 से आप अपना वोटर आईडी कार्ड डिजिटल रूप में डाउनलोड कर पाएंगे। जिस तरीके से आप अपना वोटर आईडी कार्ड स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसी प्रकार से आप अपना ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिस प्रकार से ऑनलाइन अब तक आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते थे, उसी प्रकार से आप अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल सेलेक्ट करके ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अपने गूगल पे, क्रोम पे ओपन कर लीजिएगा, टाइप करिएगा NVSP। टाइप करने के बाद सर्च कर दीजिएगा, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल को ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने लॉगिन एंड रजिस्टर का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप पहले अपने आईडी बना चुके हैं तो लॉगिन हो जाइएगा, अगर पहली बार वेबसाइट पर आए हैं तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा फिल करना है, कैप्चा फिल करके सेंड OTP पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, OTP डाल दीजिएगा। अगर आपके पास अपना IPIC नंबर है तो IPIC नंबर डाल के एंटर पासवर्ड कर लीजिएगा, साइन अप कर लीजिएगा। अगर IPIC नंबर नहीं है, मतलब कि आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर नहीं है, तब आप नीचे सेलेक्ट करके अपनी नाम डिटेल्स डाल के भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। रजिस्टर्ड होने के बाद आप लॉगिन हो जाइएगा, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा, कैप्चा फिल करिएगा, उसके बाद लॉगिन हो जाइएगा। मैं यहाँ पर आपको लॉगिन होकर दिखा देता हूँ। अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, पासवर्ड डाल दीजिएगा एंड कैप्चा को फिल कर दीजिएगा, जो भी कैप्चा यहाँ पर दिया गया हो। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करिएगा, आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ ऑप्शंस काफ़ी शो हो रहे हैं, फ्रेश इंक्लूजन, माइग्रेशन टू अनदर प्लेस, करेक्शन पर्सनल डिटेल, डिलीटिंग इनरोलमेंट, डाउनलोड IPIC, EKYC। आप डाउनलोड, आप अगर आपकी EKYC नहीं हुई आई है तो आप EKYC कर सकते हैं। यह फैसिलिटी 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी, आपको शो हो रहा है आप अपने वोटर आईडी कार्ड की EKYC कर पाएंगे। और डाउनलोड IPIC, आप अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर हो YEM करके यहाँ पर टाइप करिएगा। नंबर टाइप करने के बाद जो भी आपका राज्य हो उस राज्य को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जहाँ के भी आपके रहने वाले हैं, एंड सर्च पर क्लिक कर दीजिएगा। सर्च पर क्लिक करेंगे आप अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर डालकर और राज्य डालकर, तो आपका वोटर आईडी कार्ड आपके सामने आ जाएगा और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात आपको बताना चाहूँगा, अभी फीडिंग चल रही है, अभी कम्प्लीटिंग फीडिंग नहीं हो पाई है। 1 फरवरी के बाद सबकी कम्प्लीट फीडिंग हो जाएगी, हर कोई यहाँ पर अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर पाएगा। आप ऊपर ये नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, करेंटली IPIC डाउनलोड फैसिलिटीज़ अवेलेबल फॉर दी इलेक्टर्स रजिस्टर्ड इन SSR 2021 ओनली, दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम 1 फरवरी 2021 ऑनवर्ड्स। 1 फरवरी के बाद आप सभी अपना वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड की तरह ऑनलाइन डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को सिलेक्ट करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।